A very good evening welcome to iwas let's begin today's practice and today we will discuss very important questions pertaining to improvement of the sentence let's commence question number 1 on screen please report to me when you return back from delhi options you have returned back from you return from, you return back from, no improvement. My dear, this question is pertaining to improvement of the sentence. Improve the sentence, improve the underlined part if required. Otherwise, your option is D, no improvement. So just attempt yourself. You all are suggested to reply, just reply, just reply, my dear. रिटर्न एंड बैक यू नो रिटर्न मीन्स कम बैक द वर्ड्स रिटर्न एंड बैक आर not यूज hmm. आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि रिटर्न और बैक का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है कम बैक माई डियर डबलिंग नॉट अलाउड अब हम प्रजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ और वह ये कि कंजंक्शन के बाद सामान्य तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे यू रिटर्न फ्रॉम प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू रवि हैज बीन डिमांडिंग अलॉट मोर मार्क्स डजन ही क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को याद होगा कि हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हैजेंट हो जाएगा और रवि के स्थान पर प्रोनाउन ही आएगा क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हैजेंट ही हो यस द करेक्ट ऑप्शन इज ए द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए सभी लोग बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें और यहाँ पर आज देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही जवाब देते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज इज बेनोवलेंट टू गुड हेल्थ माई डियर बेनेवलेंट मीन्स होता है परोपकारी जो कि गलत है बेनिफिशियल लाभकारी बेनिफिशेंट लाभ प्राप्त करने वाला और बॉन्टियस यानी कि सुखद पुरस्कार से संबंधित तो यहाँ पर क्या लगाओगे तो सभी जानते हो कि बेनिफिशियल के बाद टू आता है और सही अर्थ बनेगा ये ऑप्शन ए से क्या एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ ऑप्शन ए नेक्स्ट ही पार्क हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंडर कब होता है वैसे जानो कि शेड मीन्स क्या होता है छाया तो देखो माय डियर छाया छाया के नीचे तो कुछ होगा नहीं इसलिए यहाँ अंडर गलत है अंडर कब आएगा जैसे मान लो कि हम कोई एक क्या करें कोई एक टेबल बना दें जैसे हमने ये एक टेबल बना दिया अब इसके नीचे एक चूहा को बैठा दिया ठीक है तो अंडर हो जाएगा लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है माय डियर एक अच्छी बात आज आपको याद रखनी है और वो क्या ध्यान से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से सुनेंगे वो क्या कि इन द सेड होता है अंडर द शेड नहीं होता अर्थात शेड के पहले इन आएगा ही पार्कड हिज व्हीकल इन सेड ऑफ अ ट्री उसने एक वृक्ष की छाया में अपने वाहन को खड़ा कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इन केस इफ इट रेंस आई शैल नॉट विजिट यू बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखें केस और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता ऑप्शंस को गौर से देखिए और बहुत ही ठीक ढंग से रिप्लाई करिए पूर्ण मनोयोग से रिप्लाई करिए गलती करना एकदम मना है गलती करना एकदम मना है याद रखना है भूलना नहीं है आप यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लगाएंगे ऑप्शन ए नेक्स्ट इफ इट रेंस आई शैल नॉट विजिट यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेज ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंडस नहीं होगा ट्यूब्स थिंग्स कंपोनेंट्स माइडियर टी वी की जो सामग्री होती है उसे कंपोनेंट कहते हैं और कंपोनेंट की हिंदी होती है घटक करेक्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट कंपोनेंट्स बिकॉज द एनिमी हैड रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्निक अटैक वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट occasionally, inevitably, कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सही देखें तो वैकअप से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन क्योंकि शत्रु की ख्याति थी फॉर इंगेजिंग इन स्निक अटैक मीन्स होता है छिपकर हमला क्या होता है छिपकर हमला तो यहाँ पर कह रहा है कि शत्रु की ख्याति छिपकर हमला करने के लिए थी इसलिए फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार ओकेजनली कभी कभार इनइविटेबली अपरिहार्य रूप से और कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार तो सी ऑप्शन बनेगा वी वर कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट हम लगातार सचेत थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट लेस पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैचेज दिस ईयर सो द गेट रिसीट्स वर लेसर देन लास्ट ईयर पीपल क्या है बोलोगे प्लुरल काउंटेबल नाउन है सभी लोग बोले पीपल क्या है प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ पर लेस नहीं फीवर का यूज करेंगे कई लोग बोलेंगे गुरु जी मैनी क्यों नहीं यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्यू पीपल फीवर पीपल केम कम लोग आए तुलनात्मक रूप से कम लोग आए हम तुलना का जिक्र कर रहे हैं बाद में देख भी रहे हो आप दहन लगा है इसलिए लेस के स्थान पर फीवर का प्रयोग करेंगे बहुत गौर से याद रखना कि लेस के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है आपको जरूर पढ़ाया गया होगा फाउंडेशन बैच में कि लेस और फीवर का प्रयोग तो दोनों में अंतर क्या है लेस के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है और फीवर के साथ में पी सी एन काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ही गेव द आई एस in इन ऑल सीरियसनेस took, टुक अंडर टुक तो देखो समझने की बात है कुछ लोग appeared लगाएंगे कुछ टुक लगाएंगे कुछ नो इम्प्रूवमेंट माय डियर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि परीक्षा देने के लिए टेक वर्ड उल्टा चलता है ध्यान रखना परीक्षा देने के लिए टेक आता है तो टुक यहाँ हो जाएगा लेकिन आप कहोगे कि गुरुजी appeared अपियर्ड क्यों नहीं होगा थोड़ा समझो हो। अपियर्ड के बाद इनका प्रयोग होता है यदि होता इन द आई एग्जामिनेशन तो हो जाता अपियर्ड इसलिए यहाँ सही ऑप्शन बी बनेगा ही टुक द आई एस एग्जामिनेशन इन ऑल सीरियसनेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन याद रखना ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे मैनी वर्कर्स वर बींग हेल्ड हॉस्टेजिज अब देखिए वर बींग के बाद थर्ड फॉर्म लगाया गया है तो वर बींग हेल्ड टू बी हॉस्टेजेज हेल्ड एज हॉस्टेज भाई हॉस्टेज मीन्स क्या होता है बंधक होता है तो हम देखें कि मैनी वर्कर्स वर बींग हेल्ड हॉस्टेजज कई श्रमिकों को बंधक बना लिया गया यानी कि नो इम्प्रूवमेंट डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन लेट गो एंड सी हर न्यू हाउस शैल वी आपको याद होगा क्या आपको याद है यस yes, याद करिए जब लेट अस हो क्वेश्चन टैग में शैल भी लिखते हैं यस yes! और यहां आप देख पा रहे हो कि शैल भी लिखा हुआ है आपके सामने और जब शैल भी लिखा हुआ है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं एकदम सही आंसर है क्या नो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज what वॉज ट्रूथ वॉट ट्रूथ वॉज वॉट द ट्रूथ वॉज बनेगा अब एक मजे की बात समझो देखो जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो कंजंक्शन का कार्य करेगा तो जब कंजंक्शन बनेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे यानी ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट माय मदर इज़ वरीड अबाउट माय फादर्स हेल्थ एंड सो आए गलत एंड सो एम आई सी ऑप्शन बनेगा अब तो आप कहोगे कि गुरुजी हमको तो ये समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए हम हैं ना ध्यान से समझो यह एक स्ट्रक्चर होता है सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ऐसा लिखने का मतलब होता है और ऐसा मैं भी यहाँ सेंटेंस का मीनिंग क्या है माय डियर देखो अर्थ में ही सब कुछ है अगर आप इंग्लिश का मीनिंग निकालना सीख गए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी माय मदर इज़ वरीड अबाउट माय फादर्स हेल्थ मेरी माँ मेरे पिता के स्वास्थ्य के विषय में चिंतित थी एंड सो एम आई और मैं भी करेक्ट ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन द ट्रेन सब बताओ दहाड़ के बताओ दिल से बताओ कि बाय ट्रेन होगा कि नहीं मैं पूछता हूँ कि होगा कि नहीं यस बाय वेरी गुड वेल डन सुपाव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्क्रीन पर he must know them in their plausible form isn't it plausible means व्यवहारिक यहाँ मस्टन्ट ही होगा क्योंकि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल मस्ट है तो ऑप्शन बी बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आई विश आई हैव ऑल दोज लग्जरीज माय फ्रेंड हैज़ सभी लोग याद रखेंगे विश के बाद पास्ट टेंस का यूज करते हैं माय डियर मैंने क्या बोला के बाद पास्ट टेंस का यूज करते हैं इसलिए यहाँ आई हैड हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इफ वन वर्क्स हियर यू हैव गॉट द रिवार्ड वन गेट्स अब देखो जी वन है एक तरफ तो दूसरी तरफ भी तो वन रहेगा मैं पूछता हूँ आपसे कि सी ऑप्शन होना चाहिए या नहीं आप कहोगे कि गुरुजी पता नहीं है। तो हम बताते हैं ना देखो कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट होगा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट है इफ वन वर्क्स हियर तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया वन विल गेट द रिवार्ड और दोनों को हिंदी में फ्यूचर बोलोगे यदि कोई यहाँ कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टीन द यू एन ओ इंसिस्टेड ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और मैं पूछता हूँ आपसे आयास की हो कि जब दो से ज़्यादा देश हैं तो अमंग लगेगा कि बिटवीन तो आप बोलोगे कि अमंग लगेगा अमंग द कंट्रीज ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ही डजेंट स्मोक नॉर आई डिड माय डियर नॉर जब शुरू में आया है भाई क्लॉज स्टार्ट होते ही नॉर आया तो इनवर्जन करो नॉर डिड आए तो कहीं नहीं मिल रहा अरे तो भाई नॉर डू आई तो मिल गया इनवर्जन का मतलब क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हिज रीजन्स कैन बी गुड सही क्वेश्चन टैग लगाओ कांट दे कांट दे कांट दे सही क्वेश्चन टैग लगाइए कांट दे माय डियर ये जो आज हमने सीरीज स्टार्ट की है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस की क्या इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस की मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन कराऊंगा और जैसे ही हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो उसी हमारा जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है ई डब्ल्यू एस इवास नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम में इस पब्लिक चैनल को ग्रुप नहीं है चैनल है इसे ज्वाइन कर लेंगे पब्लिक चैनल को और यहीं पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जैसा कि आप सभी को पता है स्पॉटिंग एरर टॉप हंड्रेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है आज ही आप लोग लिखें टेलीग्राम में इवास ई डब्ल्यू एस और माय डियर इस ईवास को कहाँ तक ले जाना है इसकी जिम्मेदारी आपकी है आपका दिल कहे तो इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो मैं यूँ ही मेहनत करता रहूँगा और मेरा विश्वास है हार्ड वर्क नेवर रिवार्डेड इसका फल आप लोग जरूर देंगे दैट्स ऑल टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू